रुजगार ना मिलने के कारण साडी नौजवान पीढ़ी विदेशों के वल रुख कर रही है। उत्थे ही चंगे भविख की आस दे विच विदेश गए साडे कई नौजवानों नाल अनहोनी भी वापर जाती है। हुण अजिहा ही एक मामला गढ़शंकर दे पिंड रामपुरा तो सामने आया है। इत्थों दा एक 20 साल नौजवान भारत सिंह जो कि अपनी माँ अते भैणा दा इकलौता सहारा सी, घर दा गुजारा चलाउण दे लई करीब 2 महीने पहला मलेशिया गया सी। कुछ दिन पहला सवेर समय परिवार नूं उसदी मौत दी मंदभागी खबर मिलती है कि उन्हां दे लड़के ने आत्महत्या कर ली, जिस तो बाद परिवार दा रो रो बुरा हाल है। परिवार दा कहना है कि उसे दिन ही एक घंटा पहला उन्हां दे लड़के दे नाल गल होई सी अते ओह हस हस के गल्लां कर रहा सी अते कह रहा सी कि मेरा काम कार बहुत वधिया चल रहा है अते मेरा मालक जल्द ही मेनू मलेशिया दे विच पक्का करवा देवेगा। पर दिन चढ़द्या ही ये मंदभागी खबर मिलती है कि तुहाडे बेटे ने आत्महत्या कर ली। परिवारक मैंबरां दा कहना है कि उन्हां दा लड़का अजिहा नहीं कर सकदा, किसी साजिश दे तहत उसका कतल किया गया है। हुण सानू मलेशिया दी कोई संस्था फोन करके कह रही है कि मृतक देह नूं पूरी तरह दे नाल करोना हो चुका है अते लाश नूं भारत नहीं भेजा जा सकता। परिवार ने भारत सरकार नूं अपील कीती है कि उन्हां दे मृतक लड़के दी लाश नूं मलेशिया तों भारत लियांदा जावे अते उसदी मौत दी जांच करवाई जावे। गढ़शंकर तों संजीव कुमार दी रिपोर्ट, जगबाणी टीवी। सर मेरा नाम अमिता राणी, मेरा ब्रदर जिहदा नाम भारत सिंह 2 मतलब महीने होए उन्हूं बाहर गए नूं मलेशिया गए नूं, ठीक है जी। उत्थे वो काम करदा सीगा बारबर शॉप ते, पर हजे वो इनलीगल सीगा ते उहदे नाल सानूं नहीं पता की घटना वापरी की नहीं, पर वो उधर NGO आ संस्था है वो कह रहे है कि उन्हें सुसाइड अटैम्प्ट करिया। सानू सिर्फ उस सुसाइड की एक फोटो उन्होंने सेंड करी है जो कि क्लीयर भी नहीं हैगी, तो ना कोई होर साढ़े को सानू कोई वीडियो सेंड की गई है, ना कोई होर प्रूफ दे रहे हैं कि उन्हें सुसाइड करिया, पर सानू पता कि वह सुसाइड नहीं कर सकता, उहदा मर्डर किया गया। सानू साढ़े वालों अपील है, मीडिया के थ्रू अपील करते हैं असं कि सानू गौरमेंट एक तो उदी बॉडी प्रोवाइड कराई जाए, डेड बॉडी वो सानू नहीं दे रहे, सानू उदी बॉडी भेजी जाए। दूजा नंबर सारे इंक्वायरी की जाए, असी पंजाब सरकार तो भी ते सेंटर गवर्नमेंट तो भी उन्हां मोहरे गुहार कर रहे हैं भी सानू इंसाफ दिता जाए। 27 तरीक मंगलवार को घटना वापरी सी, अज उन्हू 5 दिन हो गए। हाँ जी, एक दिन पहला साढ़े नाल गल हुई है, इधर इंडिया दे रात दे 8 बजे ते मलेशिया दे रात दे 10 बजे साढ़े नाल गल हुई आ। उस तो बाद सानू सवेर नू फोन आंदा आ कि उन्हें सुसाइड कर लिया, ते ए घटना उधर ले 11-12 दे तकरीबन दसी जा रही है, जबकि 10 बजे साढ़े नाल गल हो के हटी आ। बिल्कुल राजी खुशी हस हस के उहदे ने साढ़े नाल गल्लां करियां, कोई उहनू टेंशन नहीं सी, कोई कुछ नहीं सीगा उहनू। ये सानू सुसाइड केस नहीं लग रहा, ये सानू मर्डर केस ही लग रहा, उसकी तफ्तीश की जाए। तो मेरे भरा का नाम पारत सिंह है, ठीक है जी। वो गया से मलेशिया काम करने वास्ते, साढ़े ना गल भी हुई है एक दिन पहला रात में 10 बजे, तो उसकी अगे सानू सवेरे खबर मिलती पी है कि उन्हें सुसाइड कर लिया। पर जिथे तक सानू लगता है मेरा भरा सुसाइड नहीं कर सकता है, उसका मर्डर होया है। असं यही चाहते हैं कि सानू भरा की डेड बॉडी दी जाए तो उसके ना इंसाफ किया जाए। मैं पिंड का सरपंच हाँ, तो ये जड़ा बच्चा है भारत भूषण, ये अज तो कोई 2 महीने पहला मलेशिया नू टूरिस्ट वीजे ते गया सी। टूरिस्ट वीजे ते इदां गया भी तुहानू पता है भी इधर काम कार है नहीं गा, काम दी भाल दे विच उधर गया सदा। तो उन्हें एक दिन पहला अपने घर इत्थे गल कीती हैगी, बड़ा खुश सगा। तो दूजे दिन खबर मिलती है कि ये बच्चे ने फाहा लै। सानू ये दे विच ना कुछ साजिश की बो आ दी आ, ते असी भारत सरकार तो ते पंजाब सरकार तो ये मंग करते हैं कि वो जिहड़ी बच्चे की डेड बॉडी आ वो लियाण दे विच परिवार की मदद करन। ते इहदे इसे संदर्भ दे विच परिवार ने अविनाश राय खन्ना जी हुणां नाल भी संपर्क किया सी, उन्हां दे थ्रू भारत सरकार नाल संपर्क किया सी। ते असी फिर ये दुबारा मंग करते हैं कि वह बच्चे की जिहड़ी डेड बॉडी आ वो परिवार को इत्थे भी लिया के दिती जावे ता कि परिवार उहदा संस्कार कर सके और परिवार मतलब अपने हत्थां दे नाल सारा काम कर सके ता कि उहनू शांति मिले परिवार को कि असीं सारा काम अपने हत्थां नाल कीता। भारत भूषण जी,
आज तो 2 महीने पहला मलेशिया टूरिस्ट विजिट गया था तो काम कर मतलब गया था तो रात गरीबी कारण काम कर गया था तो यही ना मतलब कहते भी उन्हें सुसाइड किया सुसाइड नहीं मतलब कि इन्होंने कोई साजिश राही मौत की बहर उन्होंने इदा बनाती भी आप फाह ले लिया उन्हें इस करके अभी तो पंजाब सरकार को गुहार करते हैं कि वो लाश जी इंडिया भेजी जाए सेंटर सरकार भी असं यही कहने भी वो भी उन्होंने जी लाश डेड बॉडी आ मतलब कि इंडिया भेजी जाए उन्होंने परिवार जो कि आखिरी सामने देख सके।